नमस्कार, मैं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं केजरीवाल साहब के वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल की। वर्ल्ड क्लास, आप इस शब्द को समझिए, वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल। वर्ल्ड क्लास का मतलब होता है अब से पहले बीते 60 सालों में ऐसा शिक्षा मॉडल देखा ही नहीं। ये एक प्रतिष्ठित अखबार है, दैनिक जागरण। इसके हम अगर हम इसके सेकेंड पेज पे जाएं तो 1 अप्रैल को दैनिक जागरण अखबार में ये खबर छपी थी, जो बहुत इस खबर को काफी दबा दिया गया, जबकि असल में इस खबर को बहुत उजागर करके, ये वैसे तो ये लीड स्टोरी थी, होनी चाहिए थी। लीड स्टोरी इसलिए होनी चाहिए थी क्योंकि दिल्ली के लाखों बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ ये सब्जेक्ट था, लेकिन क्योंकि केजरीवाल साहब अपने एडवर्टाइजमेंट के दम पे अखबार और चैनलों को बहुत प्रभावित करते हैं, तो इसलिए ऐसी खबरों को जो उनके खिलाफ जाए उसको वो इस तरीके से दबा देते हैं। खबर 1 अप्रैल की है और इसमें कहा गया कि शिक्षक बोले खुद कॉपी लिखकर 9वीं और 11वीं के फेल छात्रों को पास करना पड़ रहा है ना। ये इस बार जो 31 मार्च को जो सरकारी स्कूलों का रिजल्ट आया, तो उसमें अखबार के मुताबिक इसमें 96% 9वीं और 11वीं के बच्चे फेल हुए। कितनी बड़ी बात है कि 96% बच्चे फेल हुए। ये हम नहीं कह रहे, ये अखबार कह रहा है। 96% से अधिक छात्र फेल हुए हैं इस बार। 31 मार्च को रिजल्ट आया, 60 बच्चों की कक्षा में केवल 4 से 5 बच्चे पास हुए। 80 अंकों की परीक्षा में 12 से 15 अंक पाने वाले पास होने को चाहिए थे, 33 नंबर चाहिए थे और 26 नंबर तक बच्चे नहीं ला पाए। बहुत ही हैरान कर देने वाली खबर है। अब ऐसे देश का, जिस राजधानी के बीते 60 सालों में ऐसा आज तक नहीं हुआ है, किसी सरकार का शिक्षा मंत्री खुद ही जेल में हो। और मैं तो एक और बात कहना चाहता हूं कि जब केजरीवाल साहब सबकी डिग्रियां मांगते हैं, उनका ईमानदारी का सर्टिफिकेट बनाते हैं और सर्टिफिकेट मांगते हैं, मोदी जी का डिग्री मांग रहे हैं, उस पर बार बार हल्ला मचा रहे हैं, एक टिकट ब्लैक करने वाला बड़ा हल्ला मचा रहा है, तो कम से कम अपने शिक्षा मंत्री का भी तो एक बार सर्टिफिकेट मांग लेते कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। जहां तक लोग जानते हैं उनके बारे में कि 12वीं पास शिक्षा मंत्री, वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल को इस तरीके से करा गया, समझ में नहीं आया कि विदेशों से किस हलवाई को पकड़ के ले आते हैं, खोमचे वालों को पकड़ के ले आते हैं, अंग्रेज होते हैं वो, और उन्हें आप यहां बता देते हैं कि ये जो है हमारे शिक्षा मॉडल को देखने आए हैं। देश की जनता जानना चाहती है कौन लोग हैं जो ऐसे शिक्षा मॉडल को देखने आए हैं। नहीं पता केजरीवाल साहब, ये जो अखबार है, या तो आपको इस अखबार पर केस करना चाहिए। देखिए, मैं ये खबर आपको दिखा देता हूं, या तो आप इस पे केस कीजिए। लेकिन हाँ, मजे की बात, हर चीज पे केजरीवाल साहब जो है बड़ी बड़ी डिबेट बिठा देते हैं, खुद कैमरे पे आते हैं, खुद वीडियो बना बना के सर्कुलेट करते हैं, लेकिन इस खबर के बारे में केजरीवाल साहब ने कुछ नहीं कहा। कोई डिबेट नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई कुछ नहीं। अब अखबार ये कहता है कि 6 अप्रैल तक शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर इन छात्रों की कॉपियों के आंसर, इन छात्रों के जो फेल हो गए 9वीं और 11वीं के, इतने छात्र जो फेल हुए हैं उनको बाकायदा प्रिंसिपल्स ने ये आदेश दिए हैं कि उन छात्रों की कॉपी में दोबारा वो शिक्षक आंसर लिखेंगे और उनको पास करेंगे। और इसको जो है ना, उसकी वेबसाइट पर, शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर इसके बाद इस रिजल्ट को अपलोड किया जाएगा, अपडेट किया जाएगा। हैरानी की बात है, 60 बच्चों की कक्षा में केवल 4 से 5 बच्चों का पास होना। शिक्षकों का आरोप है कि प्रधानाचार्य ने अपने स्कूल के 9वीं और 11वीं के खराब परिणाम के चलते शिक्षा विभाग की नजर में ना आए और इन पर खराब परिणाम आने का सवाल ना उठाए, इसके लिए शिक्षकों पर छात्रों की कॉपी में सही उत्तर लिखकर दोबारा कॉपी जांच करने का आदेश दिया गया।
हैरान करने वाली है, खास तौर पे अंग्रेजी विषय में अधिकतर बच्चे फेल हुए हैं, 8 से 10 अंकों ही आ पाए हैं, जिसके लिए केजरीवाल साहब कहते हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास शिक्षा मॉडल पेश किया है और ये शिक्षा मॉडल पूरी दुनिया में बच्चों को हम एक्सीलेंस बनाएंगे, हम मतलब उन्होंने ऐसे कराया कि वो हर बात में 60 साल का जिक्र करते हैं, इसलिए हम भी हर बात में 60 साल का जिक्र करने जा रहे हैं। 60 साल में ऐसा शिक्षा कभी दिल्ली के अंदर किसी ने दी नहीं, जबकि हमारे हम लोग खुद बहुत सारे आईएएस आईपीएस अफसर बहुत सारे नेता सब सरकारी स्कूलों के पढ़े हैं और खुद केजरीवाल साहब भी सरकारी स्कूल के पढ़े, उनकी कैबिनेट के बहुत सारे जो कैबिनेट में जो आदमी है वो बहुत सारे सरकारी स्कूल के फेलियर छात्र हैं, फेलियर। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, कहां है उनकी डिग्री, फर्जी डिग्री। एक वो तोमर साहब थे, नकली डिग्रियां बांट रहे थे, नकली डिग्री अपनी थी लॉ की। आप भूल गए, आप भूल गए केजरीवाल साहब, क्योंकि आप बार बार इतना हवा फैला रहे हैं, इतना झूठ परोस रहे हैं जनता के सामने बार बार आके, तो जरूरी होता है कि ऐसे विषयों के बारे में बात की जाए। हैरान कर देने की बात यह है कि अखबार में बहुत क्लियरली लिखा गया है कि रिपोर्टर ने अखबार की तरफ से शिक्षा निदेशक हिमांशु गुप्ता से इस बारे में उनका वर्जन मांगा था। हिमांशु गुप्ता जी ने कोई जवाब नहीं दिया इस पर, क्योंकि उनको भी अपनी नौकरी जाने का खतरा रहा होगा, उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो केजरीवाल साहब, हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी जो झूठ था ना, उसकी कलई बार बार खुल रही है, आप कहीं बाहर मत जाइए, कुछ दिन बाद आपको ये दिल्ली ही आपको ऐसे दर्शन कराएगी ना दिल्ली के लोग, जिस दिन आपका ये झूठ ऐसे ही पकड़ा जाने लगेगा। खबरों को दबाने से कोई फायदा नहीं है, ये फ्रंट पेज की लीड स्टोरी को दबा दिया गया। ठीक है, अखबार की और चैनलों की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन आप मजबूर कौन कर रहा है, आप जैसे लोग, इसलिए इन खबरों को मार दिया जाता है, किल कर दिया जाता है, जबकि ये दिल्ली के लिहाज से सबसे बड़ी खबर थी। हैरान कर देने वाली बात यह है, कई जो दिल्ली के अच्छे बड़े अखबार थे उन्होंने तो इस खबर को छापा ही नहीं है, उनको तो इस खबर से कोई लेना देना ही नहीं है। तो केजरीवाल साहब प्लीज झूठ मत परोसिए, बीते देश के अंदर बीते 60 सालों में आपसे झूठा मुख्यमंत्री कभी नहीं हुआ। धन्यवाद केजरीवाल साहब।